हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी जैपनीज डिश जो खास तौर पर बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोरियाकी बनाने के लिए हमें चाहिए अंडे 2, किसी भी चीनी 4 टेबलस्पून, शहद 1 टेबलस्पून, वनीला एसेंस आधा टेबलस्पून, मैदा 10 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, पानी 2 टेबलस्पून, न्यूटेला आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल ले लें और उसमें अंडे तोड़ लें। अब इसमें चीनी, शहद और वनीला एसेंस डालें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक स्ट्रेनर लें, इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर डालें, इन्हें अच्छे से छान लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसका बैटर इस टाइप की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब एक पैन लें और उसे लो फ्लेम पर गरम कर लें। यहाँ पर मैंने मिनी उत्पम पैन का इस्तेमाल किया है। अब बैटर ले लें, इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लें। अब बैटर को स्पैचुला की मदद से पैन में डालें। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रहे। यहाँ मैंने गलती से मीडियम पे कर दिया था तो ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। अब जब इसमें ऊपर की साइड बबल्स आने लग जाएं तो इसका साइड टर्न कर दें। इसे 1 मिनट तक पकने दें। इसे निकाल लें और बाकी के बैच को भी इसी तरह से बना लें। अब न्यूटेला लें और डोरियाकी की एक साइड पर स्प्रेड कर लें। ऊपर से दूसरा डोरियाकी रख दें, इसे प्रेस करें।
इन्हें हाफ हाफ कट कर लें। लीजिए, यमी और डिलीशियस डोरियाकी तैयार हैं। इन्हें सर्व करें, इन्हें अपने बच्चों और बड़ों के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।